हाय फ्रेंड्स, मैं अंबर। आपने मेरी लास्ट वीडियो अंबर हेट्स करेला और जंगलमन को बहुत लाइक किया, उसके लिए थैंक यू। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ, खरगोश और एक कछुए की कहानी। एक जंगल में एक बहुत ही घमंडी खरगोश रहता था। उसको अपनी फुर्ती पर बहुत घमंड था। उसी जंगल में एक कछुआ भी रहता था। खरगोश हमेशा कछुए को उसकी सुस्ती के लिए चिढ़ाता रहता था। एक दिन खरगोश कछुए को चिढ़ाते हुए बोलने लगा, मैं सबसे तेज हूँ, मैं सबसे फुर्तीला हूँ और तुम सबसे सुस्त हो। इस पर कछुए ने कहा, अपनी फुर्ती पर इतना घमंड करना अच्छा नहीं होता। तब खरगोश ने कहा, क्यों ना तुम्हारे और मेरे बीच एक रेस हो जाए। कुछ सोच कर कछुए ने कहा, मुझे मंजूर है, तो ठीक है, कल सुबह हमारी रेस होगी। अगली सुबह जंगल के सभी जानवर रेस की जगह पर जमा हो गए। तय हुआ, इस पेड़ से नदी के पास वाले बड़े पेड़ तक रेस होगी। शेर की दहाड़ के साथ रेस शुरू हुई। देखते ही देखते खरगोश बहुत आगे निकल गया। और कछुआ अपनी धीमी चाल से दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते खरगोश ने देखा, कछुआ तो भी बहुत दूर है, तो उसने सोचा क्यों ना थोड़ा सा आराम कर लिया जाए। और वो पास के एक चट्टान के पास आराम करने लगा। ठंडी हवा की वजह से उसे नींद आ गई और वो गहरी नींद सो गया। धीरे धीरे चलते चलते कछुआ खरगोश से आगे निकल गया और धीरे धीरे पर लगातार चलते चलते कछुआ नदी के पास वाले बड़े पेड़ जहाँ विजय रेखा थी वहाँ पहुँच गया। और खरगोश सोता ही रहा। जब खरगोश नींद से जागा तो तेजी से दौड़ा, पर कछुआ तो जीत चुका था। खरगोश का सिर शर्म से झुक गया। तब कछुआ बोला, खरगोश भाई, अपनी किसी भी चीज पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड करने वाले का सर हमेशा नीचे होता है। देखा दोस्तों, हमें किसी भी बात का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड करना बुरी बात होती है और घमंडी का सर हमेशा नीचे होता है। आज के लिए बस इतना ही। बाय।